ब्रीफ कर दे हमारी मीडिया को और सबको इंट्रोड्यूस कर दे। सभी मीडिया बंधु को पहले तो नमस्कार करता हूँ। आज के महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई में हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश सलूट तिरंगा के श्री रवि चिकारा जी हम लोगों के साथ में हैं, जिन्होंने हाल में ही अभी कार्यक्रम तिरंगा यात्रा का राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में चल रहे हैं। हमारे साथ बेटी बहन कविता सल्यार जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं, विंग कमांडर अजय शर्मा जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, हम लोगों के साथ विजय आशीष जी हम लोगों के बीच में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं, कन्हैया जी हैं और योगेश पटेल जी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही सलूट तिरंगा महाराष्ट्र प्रदेश के कई गणमान्य लोग और भी हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो उद्देश्य है, ये आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश बल्कि पूरे देश और विदेश में ये बात पहुंचाने के लिए आवश्यक रहा है कि अभी हाल में ही सलूट तिरंगा जो एक राष्ट्रवादी संगठन है और पिछले 8 वर्षों से देश भर में राष्ट्रवादी जनजागरण के कार्य को लेके कई सारे ऐसे कार्यक्रम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम लोगों ने पिछले 3 महीना पहले कुछ कार्यक्रम बनाया देश में, जिसको लेके आज पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। कार्यक्रम का नाम था तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि चिकारा जी को तिरंगा यात्रा पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक बनाया और बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम लोगों ने जब तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए सोचा तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने श्रीनगर में 17 जुलाई 2024 को श्रीनगर में डल लेक के पास में ही हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने न केवल जम्मू कश्मीर के आवाम को बल्कि पूरे देश के लोगों को ये बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ करेंगे और 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे भारत में हम लोग हर घर तिरंगा के तर्ज पे कई तरह के यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने तिरंगा यात्रा में पदयात्रा को भी किया, डल लेक पे शिकारा बोट के भी यात्रा निकाले गए, कई जगह पर साइकिल यात्रा भी निकाले गए, देश के अनेकों कोने कोने में जिले जिले में जाकर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। लेकिन आपको बताते हुए मीडिया के माध्यम से जो खबर जाएगी दुनिया को, ये जानना जरूरी है कि हम लोगों ने श्रीनगर में जब यात्रा निकाला 1 अगस्त को, तो पूरे देश आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि उन सब स्थानों पर यात्रा निकाला गया जहां आज तक यात्रा कभी भी तिरंगा यात्रा निकाला नहीं गया था। आपने नाम सुना होगा सिराज उल उलमन, ये एक मदरसा है वहां पे, जहां पर आजादी के बाद कई बार प्रयास किया गया कि उनके स्कूल कॉलेजेस मदरसा में तिरंगा यात्रा निकाला जाए, लेकिन उन लोगों ने कभी भी तिरंगा को हाथ में नहीं उठाया, अपने कंधे पे नहीं उठाया। लेकिन धन्यवाद करता हूं मैं पूरे टीम को जो इस कार्यक्रम में रवि चिकारा जी के साथ वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ अभी रवि चिकारा जी बताएंगे कि टीम में कौन कौन लोग वहां पर अगुवाई किए, मैं और सचिदानंद जी इनके साथ वहां संजय सराफ जी के साथ, नवीन जी और विकास जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें हम लोगों ने खुलेआम इस बात को रखा था कि हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को साथ लेके आएंगे, हम वहां के महिलाओं को लेके आएंगे, आम आवाम को लेके आएंगे और हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, बंगाल से आसाम तक, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं जिसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो धर्म है तिरंगे का, एक बात है भारत माता की जयकारा का। और जब इन्होंने अपने नेतृत्व में वहां पर यात्रा निकाली तो वहां के युवाओं में, वहां के महिलाओं में, वहां के आम आवाम में एक अद्भुत दृश्य देखने लायक था। सभी के हाथ में तिरंगा झंडा और एक ही बात वो कर रहे थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम एक हैं, हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये पहली बार आजादी के बाद कई सारे मदरसा के अंदर,
कई सारे स्कूल्स के अंदर, कई सारे कॉलेज के अंदर सामाजिक संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम वहां देखने के लिए मिला, जिसकी जानकारी अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक आपको देंगे। इसके साथ साथ हम लोग अभी, चूंकि कई सारे ऐसे राष्ट्रवादी कार्यक्रम करते हैं, आप सभी के माध्यम से मैं देश को ये भी बताना चाहता हूँ, सैल्यूट तिरंगा का मतलब है जन जागरण, राष्ट्रीय जन जागरण। हम राष्ट्रवादी जन जागरण के काम करते हैं, हम लोगों को जगाने के काम करते हैं। जो हालात अभी आपने देखा बांग्लादेश में, जो हालात आप कुछ समय पहले देखे पाकिस्तान में, उसके कुछ समय पहले आपने अफगानिस्तान में देखा, थोड़े साल पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा कि कैसे लोग जो है सो सरकार से विचिप्त होकर या वहां की आंतरिक स्थिति के कारण पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस जाते हैं, राष्ट्रपति को रातों रात प्रधानमंत्री को अपने देश से भागना पड़ता है। हमें उन सब तमाम चीजों को लेके सैल्यूट तिरंगा आज 750 जिले में 2800 राज्यों में राष्ट्रवाद जनजागरण का कार्य कर रही है। हम जगाने का काम कर रहे हैं, भारत की अस्मिता को याद रखने की बात कर रहे हैं, हम अपने संस्कृति और संस्कार को कैसे लेके आगे बढ़े इसकी बात कर रहे हैं, हम जन जन में, हम अपने जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके बीच हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे स्वतंत्रता, वो अपने स्वतंत्रता सेनानी को, वो अपने शहीदों को याद करें, और जो कुर्बानी दी गई है, जो भारत माता के लिए जो लोगों ने अपने, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने चाचा को खोया, तो उनकी जो ये कुर्बानी है वो भारत माता के लिए है, भारत देश के लिए है, भारत को जो विश्वगुरु बनाने का जो सपना देख रहे हैं हमारे राजनेता, हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसको सफल करने के लिए आम जनता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इन तमाम बातों को लेके हम कई कार्यक्रम लेके आते हैं। सैल्यूट तिरंगा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जगा रही है, तिरंगा यात्रा करके लोगों को जगा रही है, हम कई सारे ऐसे मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, हम पर्यावरण के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सम्मान समारोह करते हैं, जैसे अटल तिरंगा सम्मान, अटल जी के याद में इस साल भी उनकी 100वीं जयंती है, हम देश के गण्यमान्य लोगों को बुलाते हैं और एक मंच के माध्यम से उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। पूरा जो आप देख रहे हैं ये जो परिदृश्य है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, ये लक्ष्य है कि भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत को सशक्त करना, भारत के वैभव को बढ़ाना, भारत की स्मिता को लेके आगे चलना, एक सशक्त भारत, एक श्रेष्ठ भारत, और दुनिया में भारत के नाम को आगे ले आने के लिए सैल्यूट तिरंगा सभी को एक साथ लेके चल रही है, यही सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य है। देखिए श्रीनगर जो है, जम्मू कश्मीर जो है हमारे देश का मुकुट है, तो पिछले साल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां पे शिकार प्रतिस्पर्धा और यात्रा का आरंभ किया गया था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर की ओर पूरा विश्व देखता है और जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन सब लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, देश में राष्ट्रवाद की और एकता की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम 1 अगस्त में पूरे देश में यात्रा की शुरुआत श्रीनगर से करेंगे। हम लोगों ने, सब लोगों ने 17 तारीख में जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में जाके, और 31 जुलाई को हम लोग यात्रा के उद्देश्य से पहुंचे। हमारे प्रदेश की टीम, जिसमें फैजान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, शब्बीर जी हमारे महामंत्री जनरल सेक्रेटरी हैं, संजय सराफ जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और हमारे संगठन मंत्री श्री सच्चिदानंद जी की अध्यक्षता में हम लोग 1 अगस्त में सुबह 8 बजे डल लेक के किनारे नेहरू पार्क पर बरिस्ता के पास से हमने यात्रा की शुरुआत की। सबसे बढ़िया बात यह है पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए, कि श्रीनगर में हम लोग इस बार पहली बार वहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए। 3 किलोमीटर की इस यात्रा में बारिश पड़ रही थी और हम सब लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे कि देश का झंडा ऊंचा रहेगा, भारत का झंडा ऊंचा रहेगा, वंदे मातरम और भारत माता की जय। पूरे 3 किलोमीटर की यात्रा में बारिश पड़ते हुए यात्रा चल रही थी और इस तरह के जयघोष हो रहे थे,
और वहाँ के जम्मू कश्मीर के स्कूलों की बच्चियां और बच्चे और युवा साथी बुजुर्ग 80 साल के लोग भी झंडा लेके अपने हाथ में खड़े हुए थे और मुझे उन सब लोगों के साथ में यात्रा करते हुए हमारे सल्यूट तिरंगा के नेतृत्व में इतने आनंद की अनुभूति हुई, मेरा सर इतने गर्व से ऊंचा हुआ और सब लोगों से हमने बहुत विस्तृत तरीके से बात की, सब लोग उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, उनके साथ में चाय नाश्ता किया, उनके साथ में खाना खाया, उनके साथ में फिर शिकारा प्रतिस्पर्धा की। तो हम लोग सब एक ही है, पूरे हमारा पूरा देश एक ही है। हमारे सल्यूट तिरंगा की संगठन की ये इच्छा है कि पूरे देश में जैसे हम दिल्ली, बम्बई, इंदौर, कलकत्ता सब जगह घूमते हैं बम्बई, ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए हमारे लिए वो जगह और उन सब लोगों के लिए। हम लोग सब एक साथ में इस तरीके से मिक्सअप होने चाहिए, वहाँ पे नए नए डेवलपमेंट होने चाहिए, वहाँ पे रोजगार बढ़ना चाहिए। अगर भय का माहौल नहीं रहेगा, अगर जिस तरीके से हमने डल लेक के किनारे हमारे संगठन ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, इस उससे भी पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश गया, सब लोगों को थोड़ा कंफर्टनेस महसूस होती है। आपके मीडिया के माध्यम से पूरे नेशनल न्यूज पे, इंटरनेशनल न्यूज पे ये न्यूज सब जगह चल रही थी और बार बार चल रही थी, सारे सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। और हमारे सल्यूट तिरंगा के लाखों कार्यकर्ताओं ने और हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने हमसे इस बारे में तरह तरह के सवाल किए, सब लोगों की इतनी उत्सुकता है। कम से कम 200-300 वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। डल लेक के किनारे श्रीनगर के अलावा 1 से 15 तारीख तक जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में अलग अलग जगह पे, सैकड़ों जगह पे स्टूडेंटों को साथ में लेके, युवाओं को साथ में लेके, बुजुर्गों को साथ में लेके इतनी यात्राएं निकालनी है कि इतिहास रचा गया है इस बार सल्यूट तिरंगा के संगठन के द्वारा। देखिए, आप इस देश में नहीं किसी भी देश में, पूरे विश्व में कहीं पे भी कुछ अच्छा काम करने निकलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानी आएंगी, लोग आपको रोकेंगे, जगह जगह परेशान करेंगे। लेकिन इस यात्रा से पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गृह राज्य मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और गृह राज्य मंत्री जी ने हमें पूरी सुरक्षा का और पूरे सहयोग का वादा किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी ने भी हमें बहुत सहयोग दिया और वहाँ के प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने परमिशन से लेके और हमारे साथ में सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत समुचित, बहुत बेहतरीन प्रबंध किया, हमें पूरा आश्वस्त किया, हमें कंफर्ट जोन दिया, हमें अच्छा माहौल दिया। और देखो, आप सब लोग परिचित हैं कि पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों में वहाँ का माहौल बहुत बदला है, वहाँ पे विकास के बहुत कार्य हुए हैं, बहुत लोगों का नजरिया भी काफी चेंज हुआ है, हम जैसे लोगों के माध्यम से भी लोग काफी सहज हो रहे हैं और लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग हर जगह होते हैं, पूरे देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं, तो खराब और अच्छे का संतुलन तो सब जगह चलता रहता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ पे और भी ज्यादा विकास कार्य हो, हमें भी कुछ वहाँ पे कार्यों का पता लगता है कि वहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से भी कुछ योजनाएं वहाँ पे मोबिलाइज, और वैसे तो सरकार वहाँ पे अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, लेकिन हम भी जितना हमसे हो पाएगा मैसेज दे पाएंगे सरकार को, और जो वहाँ पे कुछ अच्छे कार्य कराने की जरूरत है, कुछ विकास कार्य कराने की जरूरत है वहाँ के रोजगार के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए, वो हम अपने स्तर पर संगठन के माध्यम से 100% करेंगे और करते रहेंगे। सर, इसके अलावा तिरंगा तो पूरे पे सजाया गया है इस बार, लेकिन जो बंगाल में शर्मनाक चीज हुई रेड को लेकर, उसके बारे में क्या राय है? पहले मैं 1 मिनट के लिए यही बात कंप्लीट कर लेता हूँ। 1 तारीख के बाद में 1 से 15 अगस्त सल्यूट तिरंगा ने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में, सोफिया जैसी जगह में भी, सब जगह पर बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की, बहुत कार्य किए। इसके साथ साथ 28 के 28 प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में, सल्यूट तिरंगा संगठन के प्रदेश अध्यक्षों ने और लाखों कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक रैलियां निकाली हैं, ऐतिहासिक तिरंगा यात्राएं निकाली हैं पूरे देश में, और पूरे देश में युवाओं में और सब महिलाओं में,
बच्चियों में, बुजुर्गों में एक अच्छा संदेश गया है जो सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य है। हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गए हैं। 77 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। हम अपनी आजादी जो एंजॉय कर रहे हैं, हमारा जो यूथ है उसको पता चलना चाहिए कि इसको सस्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें राष्ट्रवाद की भावना हमें कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। तो इसका इस विषय के लिए सैल्यूट तिरंगा हमेशा कार्य करता रहेगा। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूं। पिछले 5-6 सालों में बंगाल में अनेकों घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। किसी किसी सरकार के होते हुए, किसी एक्टिव सरकार के होते हुए, किसी भी हिंसक भीड़ का कहीं पे चढ़ जाना, कहीं पे हमला कर देना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, यह अच्छी बात नहीं है। यह जो अस्पताल की घटना हुई है, एक परिवार की बच्ची जॉब करने के लिए हॉस्पिटल में आती है, रात में ड्यूटी करती है, उसके घर वाले सुबह उसका इंतजार कर रहे हैं और सुबह 5:45 पर उसकी अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलती है। ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं इसके लिए बंगाल सरकार की कड़ी निंदा करता हूं और पिछले 5 सालों में जितनी घटनाएं हुई हैं, हमारे आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी ने भी इसका बहुत कड़ा संज्ञान लिया है कल कोर्ट में। और मैं तो अपनी तरफ से ये बोलता हूं कि सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करनी चाहिए। लगातार घटनाएं पे घटनाएं होती जा रही हैं, ऐसी घटनाओं को कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। बस मेरे इस बारे में यही बोलना है। देखिए, सैल्यूट तिरंगा 2017 2 अक्टूबर में स्थापित हुई है और उस समय से हम लोग धीरे धीरे संगठन को आगे बढ़ाए और इसके पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। हम लोग चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा है, जो महिला है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हम लोग कई सारे कार्यक्रम किए हैं। और देश को अगर आगे लेके जाना है तो केवल बेटों को सुरक्षित रखने से नहीं होगा, बेटियों को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो हमें इन दोनों ताकतों को लेके आगे बढ़ना है, इसके ऊपर सैल्यूट तिरंगा कार्य कर रही है। सैल्यूट तिरंगा ने कई ऐसे कार्य किए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं उन रिमोट एरिया में जहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, हम वहां पर हर तरह के इलाज की व्यवस्था भी करते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हम लोग कई ऐसे कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं, सम्मान समारोह को लेके चल रहे हैं, तिरंगा यात्रा को लेके चल रहे हैं। जन जागरण करने का काम है हमारा और ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा, आबादी के तौर पे देखें तो सबसे बड़ी देश है, 140 करोड़ आज हम चाइना से भी आगे निकल गए। हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है। आज हम 11वें अर्थव्यवस्था से 5वें अर्थव्यवस्था पे आ गए, आने वाले समय में हम 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले। तो अगर हम सभी मिलकर एक एनर्जी के साथ, सरकार के भरोसे काम छोड़ने से तो होना नहीं है, हमें अपनी नैतिक जिम्मेवारी उठानी है, भारत को एक राष्ट्रवादी ताकत बनाना। जैसे इसराइल के अंदर हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, लेकिन भारत के अंदर हर व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। हमें उनके अंदर जन जागरण लाना है कि आप थोड़ा देश के प्रति भी समर्पित हो और देश के लिए भी कुछ काम करें। ऐसे कई कार्यक्रम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने बेटियों की बात की, आज कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मुद्दा है बेटियों को लेकर। आए दिन रेप के वारदात, रेप के केस सुनने को मिल रहे, जिस देश में बेटी को देवी माना जाता है, माता माना जाता है, उस देश में जो बलात्कार के किस्से बढ़ रहे, क्या कारण मानते हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि बलात्कारियों को सीधा डेथ पेनल्टी दी जाए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया और अभी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उन्होंने गंभीरता से इसका जवाब भी दिया। देखिए, हम केवल महिलाओं को, अपने माँ को शक्ति रूप में कैसे मानते हैं, ये आप देखते होंगे कि हम लोगों ने, चाहे वो दुर्गा हो, सरस्वती हो, काली हो, हर रूप में हम अपने बेटियों को मानते हैं। हम बेटी की पूजा भी करते हैं, आप देखते हैं नवरात्र में हम लोग कन्या पूजन भी करते हैं। और तो छोड़िए, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने देश को मां समझता हो। भारत ही के इकलौता देश है पूरी दुनिया के अंदर जो अपने देश को भारत माता के संबोधन से,
देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटती है, चाहे दिल्ली की निर्भया की घटना को उठाइए, चाहे अलग अलग राज्यों के आप डेटा को चेक करिए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि बलात्कार की घटना बढ़ी है। इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को कोर्ट को अविलंब लॉ में कानून में परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिए। सलूट तिरंगा संगठन सरकार से भी प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि ऐसा कानून बनाइए जिसमें किसी को भी इस तरह का घटना करने के पहले एक खौफ पैदा होना चाहिए, एक डर पैदा होना चाहिए, और डर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे इस तरह के घटना के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है। कई ऐसे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है, उसका रीजन ये है कि वहां के कानून बहुत सख्त है। सलूट तिरंगा भारत, पूरे भारत की तरफ से मैं आह्वान करता हूं और महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से सरकार से आह्वान करता हूं कि एक कठोर कानून इसके लिए बनाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका सुनवाई हो और एक महीने के अंदर ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए। देखिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी आपने देखा कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हम 75 साल में पहली बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेके आए, और मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूं कि हम लोगों ने सलूट तिरंगा के कमेटी ने ड्राफ्ट भेजा था पीएमओ में, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने फ्लैग कोड में चेंजेस किया, रूल को बदला। पहले हमारा तिरंगा गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, कोई कहीं पर लेके यूज नहीं कर सकते थे। ये कार्यक्रम करने के पहले एक महीना पहले फ्लैग कोड में चेंजेस हुआ, आज हमारा तिरंगा घर घर में लग रहा है। हम लोग इसको अभी लेके और आगे बढ़ेंगे, हमें भारत को एक राष्ट्रवादी ताकत तैयार करना है, हर व्यक्ति देश के प्रति सोचे, और ये हर घर तिरंगा अगले जब 100 साल आजादी का हम मनाएंगे तो ये हर हाथ तिरंगा होगा, और राष्ट्रवाद के लिए तो काम करते ही रहना पड़ेगा। हमारा जो देश है, हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा देश है, आजादी के माध्यम से देखें तो हम दुनिया के नंबर वन कंट्रीज हैं, और इसमें हर तरह के लोग हैं, अमीर है, गरीब है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी आप देख रहे हैं, रोजगार की स्थिति भी देख रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर लगातार निरंतर काम करते रहना होगा। और भारत को अगर दुनिया का विश्वगुरु बनाना है, जो सोने की चिड़िया वाली बात थी कि भारत एक सोने की चिड़िया पहले था और फिर से उसको बनाना है, तो राष्ट्रवाद जन जागरण करने का काम करना होगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी को यहां से कि 2014 के बाद से भारत में माननीय मोदी जी, अमित शाह जी की वजह से राष्ट्रवाद का जन जागरण का कार्य आगे बढ़ा है, और सलूट तिरंगा ने इसको लेके मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए सलूट तिरंगा के बारे में सबसे पहले बात आपसे कर देता हूँ साफ साफ, सलूट तिरंगा एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सलूट तिरंगा के कोई सदस्य अगर किसी पार्टी में हैं तो उससे भी मेरे को कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समुदाय का हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी भाषा का हो, तिरंगा के लिए सब एक है, भारत माता की जयकारा के लिए एक है। सलूट तिरंगा का जो मकसद है कि भारत माता की जयकारा करो, तिरंगे की बात करो, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करो। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, आपने बोला कि लोग धर्म की राजनीति करते हैं, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो तो ऐसे चल रहा है, वो चलते रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आम आवाहन को, जो आवाम को जगाने का काम कर रहा हूं, मैं इस बात का, हम लोग सलूट तिरंगा के लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि आपको जो भी राजनीति करना है करिए, लेकिन देश के नाम पे राजनीति मत करिए, भारत के संविधान के नाम पे राजनीति नहीं करिए। भारत का संविधान पहले भी सुरक्षित था, 77 वर्षों से सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है और कल भी सुरक्षित रहेगा, उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, ये जगाने की बात जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि जागो भारत जागो, और जागना होगा।
परिवर्तन हो रहा है, आप देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, अलग अलग देशों में किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर लोग बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ा है, लोग अलग अलग तरह के नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। तो भारत जो है इस 77 साल में आप बोल नहीं सकते ऐसा कि डेवलप नहीं हुआ, भारत बहुत डेवलप हुआ, भारत एक विकसित जो देश बनना है उसके ऊपर आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में भारत विकसित होगा, मैं इस आशा और विश्वास से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीयों में आज उत्साह आया है, जिस तरह से रोजगार सेल्फ रोजगार की ओर आगे बढ़े, हमारे नवयुवक के अंदर जितने टैलेंट है, लड़कियां जितना बढ़ चढ़ के काम कर रही है, हम निश्चित रूप से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं और 2047 के पहले ही भारत एक विकसित देश बनकर तैयार हो जाएगा। बदलापुर में बलात्कार की घटना हुई है और कुछ दिन पहले ही कोल्हापुर में हुई है, कल उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है भारत बंद है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो बदलापुर की घटना हुई है उस पर एक्शन ले लिया गया है, बंगाल में लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है, सबूतों से छेड़छाड़ होती है, भीड़ हमला कर देती है। बंगाल की घटनाएं जो चल रही है वो देश की अन्य घटनाओं से भिन्न है, लेकिन बलात्कार कहीं भी हो, जुर्म कहीं भी हो, कहीं पे भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो, वहां उनका उसी जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया उसका वही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा जजों की नियुक्ति की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और एक महीने के अंदर सारे सबूतों के आधार पर न्याय प्रणाली के हिसाब से सख्त सजा का ऐलान कर दिया जाए। और जब ऐसे 10-20 उदाहरण पूरे देश में होंगे तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि गल्फ कंट्रीज में जो क्राइम रेट रुका हुआ है ऐसे ही हमारे देश में भी उसका 101% प्रभाव पड़ेगा। सर आपसे जानना चाहूंगा इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो बांग्लादेश में हुआ, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में हुआ, तो उसके पहले श्रीलंका में हुआ था जो पीएफ के घर में घुस के फिर उनको जो है अपने पद से निष्कासित कर देना, और जो हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, सर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश में जो हुआ वो उनका इंटरनल सिचुएशन था, इंटरनल मामला था, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ पड़ा? उसका प्रभाव पड़ा वहां रहने वाले अल्पसंख्यक के ऊपर, यानी हिंदू के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, जो भी अल्पसंख्यक थे। ये घटना बहुत ही इसका कड़ी निंदा कर रहा हूं, और बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, इस बात को उनको समझ लेना होगा कि अगर इस तरह के घटना को वो नहीं रोकते हैं तो इसके गंभीर परिणाम देखने के लिए होंगे। भारत जो देश है आज, इस देश में आप देखिए कि तिब्बत के दलाई लामा भी यहीं शरण लिए हुए हैं, आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी भाग के आके यहीं शरण लिए हुए हैं। भारत ने हमेशा एक दूसरे के साथ एक अच्छे संबंध बनाने का कार्य किया, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि आपके देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उठापटक हो और उसका परिणाम वहां के हिंदू को झेलना पड़े, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह के घटना को बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, कोई भी कंट्री हो, अगर इस तरह के घटना को वो अगर लगाम नहीं लगाते हैं तो कल दिन बहुत गंभीर परिणाम होगा, यहाँ के लोग रिटेलिएट करेंगे, तो अगर एक बार यहाँ का लोग रिटेलिएट करेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी देशे हैं, फिर उनको समस्या आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कि उन लोगों ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, वहां के सरकार के साथ बात की और इमीडिएटली 72 घंटे के अंदर वहां पर घटनाएं होना बंद हो गया। जो मंदिर के ऊपर हमला किया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, हम लोग यहाँ पर जो भारत के अंदर जो हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके रहते हैं, आपने कोई घटना नहीं सुना होगा कि हिंदू जाके किसी के मस्जिद को तोड़ रहा है, तो बांग्लादेश के अंदर क्यों मंदिर को तोड़ने की घटना होती है, अफगानिस्तान के अंदर ये क्यों होती है, वे वहां के आम आवाम को समझना होगा, आप नहीं समझिएगा तो गंभीर परिणाम होंगे। और ये गंभीर परिणाम ऐसे नहीं होंगे कि हम हमला कर देंगे, हम किसी भी समय हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे, हम आपके युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, हम आपके वीजा को कैंसिल कर देंगे, हम इंटरनेशनल रिलेशन क्लोज कर देंगे भारत, जब हम डिप्लोमेटिक चैनल पे काम करेंगे तो आप समस्याओं में आओगे, आप छोटे से देश हो पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके भीख मांगते फिरोगे, ये अभी भी चेतावनी दे रहा हूं बांग्लादेश को कि संभल जाओ।